आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा रहमान। नाज़रीन, जूतों के मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं। पेशावरी चप्पल की अगर हम बात करें तो पेशावरी चप्पल की मुख्तलिफ वैरायटियाँ हमें मुख्तलिफ मार्केट्स में भी मिल जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बात कर लेते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी पेशावरी चप्पल पहनना पसंद करते हैं और इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका गए थे और जाकर वहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की, तब भी उन्होंने कौमी लिबास शलवार कमीज़ ज़ेब तन किया हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने पेशावरी चप्पल पहनी थी जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इमरान खान की ये पेशावरी चप्पल कहाँ से बनती है, कौन बनाता है और इसकी कॉस्ट कितनी है, ये सब आज हम आपको दिखाएंगे, तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं उस चप्पल स्टोर में जहां से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म को पेशावरी चप्पल बतौर तोहफे में पेश की जाती है। हमारे साथ स्टोर के ऑनर मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, इनसे तफसील में बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पेशावरी चप्पल कैसे बनाई जाती है और इमरान खान से इनकी मुलाकात कैसे हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जलालुद्दीन साहब, सबसे पहले तो हमें बताएँ कि वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ से चप्पल जाती है जी, तो कैसे आपकी इमरान खान साहब से वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई थी? ये आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, 2014 की बात है। ये मेरे वालिद साहब धरने में उनसे मिले थे, धरने के दौरान इस्लामाबाद में। हाँ जी, वो हमको जो है ना फेस टू फेस, पहले तो हम चप्पल बनाते थे, काम तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो जब धरना स्टार्ट हुआ तो कासिम खान सूरी हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं, तो उन्होंने फ़ेस टू फेस करवाया खान साहब को हमसे, तो हमने उनको उनके लिए चप्पल वहाँ से स्टार्ट किया। अभी तक जो है खान साहब के लिए हमारे शॉप से ही चप्पल बनती है। अच्छा, तो आप उनको बतौर तोहफा पेश करते हैं? हाँ जी, बतौर तोहफा। उसकी कॉस्ट कितनी होती है? वो स्टार्टिंग होती है तकरीबन 12,000 रुपये से स्टार्ट होती है, फिर मैक्सिमम जो काव लेदर में जाती है तकरीबन 20,000-25,000 रुपये तक चली जाती है। तो हमने ये भी सुना था कि जो सांप की खाल की चप्पल है वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को आपने तोहफे में दी थी? हाँ जी, वो तकरीबन 1-1.5 साल पहले उनको बना के दी थी, तो फिर कुछ केस वगैरह भी पड़ गया था। अच्छा जी, तो हमने फिर वो क्लियर कर भी दिया था क्योंकि उस टाइम कीमत चप्पल की थी 50,000, फिर जब हमने टैक्स पेड किया तो तकरीबन उस टाइम की कीमत थी 1,00,000 से ऊपर की। मुझे ये बताइएगा, मुख्तलिफ लेदर्स का इस्तेमाल आप करते हैं तो उस पर फिर आपको टैक्स भी पड़ता होगा, क्योंकि काओ लेदर पर इतना टैक्स नहीं पड़ता है, जो बाकी लेदर जो अच्छे वाले लेदर जो होते होंगे वो कौन सी किस्म के इस्तेमाल करते हैं और उस पर कितना टैक्स आ जाता है? होते हैं मतलब डीर का लेदर हो गया, क्रोकोडाइल का हो गया, क्रोकोडाइल और डीर का जो होता है वो तकरीबन 40-50,000 रुपए की होती है। अच्छा। और जब स्नैक वगैरह पे आ जाते तो वो फिर काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बाहर से किस मुल्क से इंपोर्ट किया जाता है? हमेशा US से हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि US का लेदर बेस्ट होता है। खासी ऊपर हो जाती है, जाहिर है 1,00,000 से ऊपर की होती है प्राइस हमारी। अच्छा ठीक है, ये कौन से लेदर की है? ये भी काओ लेदर की है। हाँ, ये भी काओ लेदर की है। इसका सोल लेदर सोल का है। अच्छा, इसका सोल भी लेदर का है जी। इसका सोल ये फिर काफ़ी महंगी भी होगी, एक्सपेंसिव होगी जी। ये भी है, क्या प्राइस है? ये तो तकरीबन है 1,500 रुपए की। अच्छा हाँ जी, मतलब नॉर्मल कोई भी ले सकता है 1,500 तक, तो हर कोई बंदा अफोर्ड कर लेता है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा जो है ये मेडिकेटेड सारी ऊपर से नीचे तक 3,500 का विंडो है। अच्छा जी, बड़ी प्यारी लग रही है। तो ये जो काओ लेदर है, ये लेदर इसका जो है ना ये कंपनी से आता है, जेन्युइन प्रिंट है, ये नहीं है कि हम बाद में करते हैं। जो जेन्युइन लेदर का जो कलर होता है ना तो कंपनी का ही होता है, हम ऊपर कलर वगैरह करते नहीं है। नहीं करते, ये जो जैसे पर्पल कलर नहीं, मतलब ये जेन्युइन कलर इसका है। अच्छा, तो मतलब कोई इसकी पहचान है कि सही लेदर? जी हम गारंटी देते हैं, वैसे पहचान तो होती है लेकिन वो कुछ तरीके होते हैं वो फिर हम कस्टमर को समझाते हैं, जिसमें मतलब जो ये सिल्वर्ट आता है। हाँ? जिस तरह के ये सिल्वर्ट आता है ये वाला। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये लेदर, हाँ तो लेदर की ये पहचान होती है। अच्छा ठीक है, मतलब और इस तरह लेदर भी होते हैं कि जिसमें सिल्वर्ट नहीं आता फिर भी लेदर ही होता है, लेकिन वो जो वही समझता है जो कारीगर होता है, जो ज्यादा शौकीन होता है चप्पल का लेदर का, तो उनको समझ आ जाती है कि हाँ वाकई। अच्छा, ये चप्पल अच्छी है। नाज़रीन ये देखें, ये प्योर लेदर है और इसके ऊपर सिलवटें पड़ रही हैं, और जलालुद्दीन साहब ने हमें बताया है कि इसके ऊपर सिलवटें पड़ेंगी तो इस लेदर की पहचान होगी कि ये सही लेदर है।
अभी हम साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कौन सा लेदर सही है और कौन सा नहीं सही। और ये चप्पल आपको मैं बता दूँ, ये वही चप्पल है जो खान साहब पहनते हैं, उस तरह का डिजाइन है, उसी डिजाइन है। और ये फिर कप्तान चप्पल कहते हैं जो है वो भी बहुत मोटा है, तो इसका क्या ये टायर इस्तेमाल करते हैं? ये रबर होता है, टायर नहीं होता, टायर वाला जो होता है वो नोरोजी होता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कप्तान चप्पल कहते हैं, ये स्टार्टिंग होती है हमारी तकरीबन 5500 से चली जाती है, तकरीबन जो काव लेदर नॉर्मल लेदर में जो बनती है 20-25 हज़ार रुपये तक, वो हाथ की सिलाई की वजह से ना महंगी हो जाती है। अच्छा। बाज़ चप्पल होती है इसमें मतलब 50% हैंड स्टिच होता है, बाज़ होता है उसमें 50 से ज़्यादा 60-70-100% स्टिच जो होती है वो 20-25 हज़ार रुपये तक की हो जाती है। सही। ये है हमारी नौरोजी चप्पल। अच्छा, ये नौरोजी चप्पल, इसको नौरोजी चप्पल क्यों कहते हैं? इसके नीचे टायर लगा होता है, जो गाड़ी का जेन्युइन टायर होता है तो वही लगाते हैं। ये डेरा गाजी खान, कुछ लोग कहते हैं डेरा गाजी खान की भी बनती है और क्वेटा की भी बनती है। अच्छा। लेकिन ये हमारी अपनी ही बनती है। हमने देखा कि पेशावर जलनी के जो डैनन सैमी हैं उनको भी आपने तोहफे में दी हुई है, तो क्या ये सारा चक्कर है? जी, वो तकरीबन दो जब से PSL स्टार्ट हुआ है तब से हम पेशावर जलनी पूरी टीम को हम एज अ गिफ्ट देते हैं, तकरीबन 40-50 पेयर्स हम उनको देते हैं। दो बार मेरे वालिद साहब दुबई गए हैं। अच्छा। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह PSL पाकिस्तान आया, पाकिस्तान तो पाकिस्तान में अब देते हैं। पिछले साल नहीं दिया क्योंकि PSL नहीं हुआ, उससे अगले साल था, तब 2021 तक। हाँ जी, बहुत डैरन समी को भी देते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा उनके साइज़ भी काफ़ी लार्ज साइज़ है, डबल तो XL फिर आप खुद बनवाते होंगे? जी, उनके लिए स्पेशली एक डिज़ाइन हम बनाते हैं उनके लिए 40-50 पेयर, फिर उनके बाद वो फिर मतलब वो डिज़ाइन इन हो जाता है मार्केट में, लोग पसंद करने लगते हैं। ओके, जब वो वायरल हो जाती हैं पिक्चर्स तो फिर समझो कि हाँ, वो चलना शुरू हो जाता है आपका काम। अच्छा, इनमें से इमरान खान कौन सी चप्पल पहनते हैं? ये भी वही स्टाइल है, वही स्टाइल है। हाँ, कप्तान चप्पल, ये एग्जैक्ट वही चप्पल नहीं है जो खान साहब खुद पाँव में पहनते हैं, लेकिन वो स्टाइल की है क्योंकि हाँ जो खान साहब पहनते हैं ना, तो वो मैं आपको ये आगे दिखा देता हूँ, ये एग्जैक्ट वही है। अच्छा, इसमें ये स्टिच जो होती है ना, ये सारी हाथ की होती है, ये जरी होता है, ये कुछ तिल्ले का काम, लाइक ये देखिएगा इसके ऊपर तिल्ले का काम हुआ हुआ है और इसमें 100% तिल्ले के धागे से। इस चप्पल में आपको जहाँ पे सिलाई नजर आएगी वो हाथ की ही होगी, मशीन की नहीं है। अच्छा, तिल्ले से हम मशीन से काम नहीं करते? नहीं नहीं, तिल्ला ये काफी पतला होता है, हम तकरीबन 6 धागे इकट्ठा करके फिर ये सिलाई करते हैं, हाथ से करते हैं। हाथ से, और फिर यही इसी तरह की इमरान खान साहब को चप्पल चाहती है। आजकल जो वायरल हुई है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं, हम फोटो में भी देखते हैं, ब्लैक और ब्लू ज़्यादा पहनते हैं। हाँ, ब्लैक और ब्लू उनका फेवरेट कलर होगा। जी हाँ, दूसरी बात वो तो वैसे भी सबके साथ आने जी वो दूसरी बात जब वो ट्रंप के साथ मिलने गए थे ना US में, तो उन्होंने ब्लू स्वेट की पहनी थी। हाँ। तो वो काफी लोगों को पसंद आई थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। जी बिल्कुल, तो इसलिए। अच्छा, तो अब जब से पॉलिटिकल लाइफ में खान साहब आए हैं, पॉलिटिकल लाइफ में, तो दोबारा से मुलाकात हुई उनसे? नहीं, अभी तक तो भी नहीं है, लेकिन चप्पल हमारी ही हम भिजवा दें उनके PA के थ्रू, उनको मिल जाती है, वो पहनते रहते हैं, लेकिन कहा है कि टाइम दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन काफ़ी बिजी है, काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हैं। वैसे भी इलेक्शंस आने वाले हैं तो। हाँ जी, मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनको भी चप्पलें जाती हैं, तो उनको भी क्या बतौर गिफ्ट करते हैं या फिर वो खुद आते हैं? हम सिर्फ पेशावर जलमी टीम को गिफ्ट करते हैं, पूरी टीम को, और खान साहब को उनको गिफ्ट करते हैं। वैसे उसके अलावा जितने सियासी लोग हैं, चाहे आरिफ अलवी हमारे प्रेसिडेंट जो है साबका DJ ESPR जो थे, आसिफ गफूर साहब, उनको सबसे, आर्मी में काफ़ी लोग हैं, आर्मी में भी है, सियासी लोग भी हैं, जितने भी हैं उनसे हम सबसे पैसे लेते हैं। गिफ्ट सिर्फ खान साहब के लिए और पेशावर से पे करके और फिर सब, पैसे देके। हाँ जी, सब। किसी को माफ़ी नहीं है भाई? नहीं नहीं। अच्छा। ये देखें, ये आजकल का काफ़ी अच्छा हॉट आर्टिकल है हमारा, पेटेंट में शाइन भी कर रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको पेटेंट लेदर कहते हैं, काव लेदर में बना है, पेटेंट कहते हैं, काफ़ी फेमस लेदर है। और ये आपने खुद भी पहनी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, मतलब अपनी ही जूते आप खुद भी पहनते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम अपने जूते पहनते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमें नाज़रीन ख़वातीन के लिए भी जूते नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या खुद बनवा के ख़वातीन ऑर्डर करती हैं? खुद ही बनाते हैं, और दूसरी बात सबसे अच्छी बात जो है ना, ये प्योर लेदर है। अच्छा, पाँव में जहाँ पर भी आपका ये चप्पल टच होगा तो लेदर ही होगा, नीचे भी है ऊपर भी है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मेरा पाँव तो एक बहुत छोटा है नाज़रीन, जूता मिलना मुश्किल हो जाता है, तो अब मैंने सोचा है कि यहीं से अपना जूता बनवाया करूँगी, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में ऐसी जूतियाँ लॉन के कपड़ों के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ये बताएं आप मुझे ये गिफ्ट कर रहे हैं या नहीं?
जी कर लेंगे। थैंक यू सो मच नाजरीन, ये तो जूता मुझे गिफ्ट हो गया है और हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं जलालुद्दीन साहब, आपने हमें टाइम दिया अपना, और थैंक यू सो मच। हमने आपकी मुलाकात करवाई है जलालुद्दीन साहब से और उनकी सारी दुकान भी दिखाई है और ये भी बताया है कि इमरान खान साहब की पेशाबी चप्पल कहाँ से जाती है। हमें इजाज़त दें, दोबारा से हम हाज़िर होंगे, अल्लाह निगहबान।